आज संत आसाराम जी बापू का 83वां अवतरण दिवस मना रहे हैं भक्त। और एक आश्चर्य की बात है कि आसाराम जी बापू को एक साल आज पूरे होने हैं आजीवन कारावास की सजा होते हुए, और आज बापू का जलवा देखने को मिला आनंदी के अंदर। बापू जी का अवतरण दिवस है आज, और दूर दूर से भक्त लोग आए हुए हैं और उसको पूरे जोश से मना रहे हैं। और बापू जी इसमें प्रत्यक्ष नजर आता है कि बापू जी हमारे निर्दोष हैं। क्या क्या जादू है बापू का कि इतनी भारी संख्या में भक्तों की भीड़ आई है? बापू जी ने जो दिया है, जिन भक्तों को ही मालूम है बापू जी ने क्या दिया है, आज भी वो अनुभव करते हैं जो बापू जी ने दिया है। अभी आप देख रहे हो इतनी बड़ी यात्रा ये चल रही है, बापू जी 5 साल हो गए जेल के अंदर है, फिर भी इतना हजारों में यहाँ पे लोग यात्रा में आए हुए हैं। सुबह से कार्यक्रम चल रहे आश्रम में, तो इससे जाहिर होता है कि कितने लोगों की श्रद्धा अभी भी अड़िग है। इसके पीछे का क्या जादू है कि इतनी सारी भक्तों की भीड़ आई है? वो तो बापूजी ने जो दिया है हम सबको, तो उसके हम वर्णन नहीं कर सकते। सालों से जुड़े हो बापू? हम 23 साल हो गए अभी जुड़े बापू। जो बापू पे जो आरोप लग रहे हैं उसके बारे में क्या कहोगे? वो तो आरोप झूठे ही है, ये तो बड़ा षड्यंत्र है, ये तो सब जानते हैं। इसके अलावा समिति क्या क्या देवी कार्य करती है? इसके अलावा हम अभी गर्मी के सीजन चालू है, हम छाछ वितरण करते हैं, शरबत वितरण करते हैं, हर सीजन में हम कुछ ना कुछ तो करते हैं। दिवाली में बापू जी का जो सिद्धांत है कि गरीबों में, हम तो दिवाली मनाएं लेकिन हमारे साथ साथ गरीब भी दिवाली मनाएं, तो हम भंडारा करते हैं, आदिवासी एरिया में जाके भंडारा करते हैं। ठंडी के सीजन में हम लोग ब्लैंकेट वितरण करते हैं, तो ऐसा हमारा पूरे साल भर कार्य चालू रहता है। जो बापू जी ने मार्ग हमको दिखाया है हम उसके ऊपर चल रहे हैं। बापू को 5 साल ऊपर होने आए जोधपुर जेल में, और 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर सेशन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दे दी, आज एक साल पूरे होने आए, भक्तों की संख्या श्रद्धा में कमी आई क्या? बिल्कुल नहीं, श्रद्धा तो बढ़ गई है लोगों की, आप तो सब जानते हैं ये षड्यंत्र है। नाम अजीत घोरपड़े है, मैं मुंबई से आया हूँ, खास करके पूज्य बापू जी का आज 83वां अवतरण दिवस है इसके लिए आया हूँ। कितने सालों से जुड़े हो बापू से? मैं वैसे तो 22 सालों से जुड़ा हूं और दीक्षा लेकर मुझे 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। जो बापू पे जो आरोप लग रहे हैं उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए बापू जी पर आरोप तो लगे जो झूठे आरोप है सबको पता है, और इस विषय में ज़्यादा बोलना ही क्या है, संतों पर तो आरोप लगते रहते। अभी आनंदी में यहाँ पर यात्रा चल रही है, यहाँ के ज्ञानेश्वर महाराज थे उनको भी लोगों ने बहुत सताया था, दुष्टों ने, तुकाराम महाराज जी को भी बहुत सताया था, वैसे साधु संतों के ऊपर होता रहता है। और बापू जी का आज 83वां अवतरण दिवस है, और इस अवतरण दिवस के निमित्त पूरे देश में नहीं विश्व के 167 देशों में अवतरण दिवस को विश्व सेवा दिवस नाम से हम लोग मनाते हैं। आज ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है ये दिवस, और पूरे देश और विदेश के सभी जो सेवाधारी है बापू जी के, जो शिष्य है करोड़ों में, ये सब आज के दिवस जैसे त्यौहार जैसा मनाते हैं, भंडारे करते हैं, सेवा करते हैं, लोगों को शरबत पिलाते हैं, आदिवासियों में भंडारा करते हैं, बहुत सारी सेवा कार्य चलते हैं। आज ये बापू जी का अवतरण दिवस है, 83वां अवतरण दिवस है, उस उपलक्ष्य में हम एक जन जागृति अभियान, और बापू जी ने जो सेवा कार्य अभी तक किए हैं, हर साधकों को जो अनुभव हुए हैं, इतने 6 साल से बापू जी अंदर है, जेल मंदिर में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी बापू जी के मतलब पक्ष में या बापू जी का अनुभव लेकर इतनी महिलाएं बड़ी संख्या में आज इस यात्रा में शामिल हुई है, इसका सीधा सीधा मतलब यही निकलता है कि बापू जी ने हमें क्या दिया है, लोगों ने क्या कहना है, लोग क्या बोल रहे हैं उससे हमें लेना देना नहीं है, मेरा अनुभव क्या बोलता है वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, मेरे गुरुजी ने मुझे जो अनुभव दिए हैं वो अनुभव मैं बयान नहीं कर सकती, एक दोष है ही, खुद ब्रह्मा भी आकर बोले ना तो भी हम उनको नहीं मान्य कर सकते हैं, क्योंकि बाबूजी हमारे दिलों में बैठे हुए हैं, गत 22 साल से हम उनके अनुभव से ही जी रहे हैं, आज सुबह का ही अनुभव है मेरा, मुझे यहाँ आना था, मैंने बापूजी से दरख्वास्त की कि बापूजी मुझे जाना है,
मुझे छुट्टी मिलनी चाहिए स्कूल से। आपको जो करना है करिए, मेरी कैसी अर्जी मंजूर हो गई और मैं यहाँ पहुँच गई। लोगों का तो ऐसा कहना है ये तो बापू के अंधभक्त है, ये तो एक अंधश्रद्धा है। देखो अंधश्रद्धा श्रद्धा में अंतर होता है। हमने किसी का सुनकर बापू जी को स्वीकार नहीं किया है, हमने अपने अनुभव से बापू जी को पाया है। तो किसी के कहने पर चलना उसे अंधश्रद्धा बोल सकते है, लेकिन श्रद्धा अलग चीज होती है। श्रद्धा रखने के लिए बहुत ऊंचा दिल चाहिए जो बापू जी ने हमको दिया है। श्रद्धा में ज्ञान होता है, अंधश्रद्धा में अज्ञान होता है। हमने ज्ञान से बापू जी को पाया है, किसी का कहकर सुनकर हमने बापू जी को माना नहीं है। और मेरा अनुभव ये बोलता है कि मेरे बापू जी सर्वश्रेष्ठ है, भगवान है हमारे लिए। इसलिए तो देखो इतने साल हो गए हैं, ये क्या है, ये क्या नहीं, इसको आप अंधश्रद्धा बोल सकते हैं? कभी नहीं। श्रद्धा है तो अभी लोग इतने बड़े पैमाने पर आए हैं। अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, पैसे फेंक कर लोगों को एकत्रित किया जाता है। यहाँ किसको पैसा मिला है पूछे आप? इन लोगों को किसको पैसा दिया यहाँ आने के लिए? अरे अरे लोगों को हमने आमंत्रण भी नहीं दिया, खाली उनको पता चल गए कहाँ कहाँ से। तो लोग कहा जैसे बोलते हैं ना, गाय के पीछे बछड़ा दौड़ता है ना, ऐसे बाबूजी के पीछे ये सब बछड़े दौड़ते हैं। आम्हाला सुखरूप बाहेर पाहिजे, आमचे गुरुदेव आहे तर आम्ही आहे, बस आम्हाला दुसरी काही इच्छा नाही। बापू को निर्दोष मानतो? निर्दोष, एकदम निर्दोष, 100% निर्दोष आहे माझे गुरुदेव। बापूजी निर्दोष आहे, निर्दोष आहे, बापूजी को जल्दी बाहेर निकालिए। बापूजी निर्दोष आहे, हमारे बापूजी जल्द से जल्द हमारे बीच आइए, हम सबकी साधकों की प्रार्थना है। हमारे बापू को झूठ केस में फंसाया है, उनको जल्दी से बाहर निकालो, ये सब साधकों की हमारी। और बस हमारे बापू जल्दी आए, इससे इसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे गुरुदेव जल्दी आए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए हमको, कुछ नहीं चाहिए, बस जल्दी बापू आ जाना चाहिए बस। हमारे इतने सारे लोगों को एक एक बच्चे कुछ कहती है, हजारों लाखों बहने इतना कुछ कह रही जी जान से, तो भी लोगों को समझ में नहीं आ रहे। बापू हमारे चाहिए और कुछ नहीं, बस हमारा इतना ही कहना है कि ये देखो ये कितने सारे लोग हैं, ये सत्य दिखाई नहीं देता है क्या भैया? बस हमारे बापू को छोड़ दो, बस हमें कुछ भी कहना भी नहीं किसी के बारे में। अरे हमारे बापू इतने सच्चे हैं, इतना उन लोगों को समझ में नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। बहुत इतने साधकों को हाय लगेगी, उनको हाय लगेगी। ये तो बॉम्बे में, पूना में, नासिक में, महाराष्ट्र में, यूपी में, एमपी में, देश में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी आज ये विशाल संकीर्तन यात्रा निकाली गई है। आज बापू जी का अवतरण दिवस भक्त उत्साह से धामधूम से मना रहे हैं और भक्तों को पूरा पूरा विश्वास है, पूरी पूरी बापू के प्रति आस्था है कि हमारे बापू जी जल्द से जल्द पधारेंगे। एक महिला से हम बात कर रहे थे तो उनका यही कहना था, बोले चुनाव चल रहे तो नेता लोग बोले पैसा देते तो भी लोग नहीं आते हैं, हमने किसी को नहीं बुलाया तो भी इतनी भीड़ आ जाएगी, कैसे लोग दौड़े दौड़े आते हैं? भाई जो चीज पैसा नहीं कर सकती है, ताकत नहीं कर सकती है, दादागिरी नहीं कर सकती है, वो चीज वही काम एक संत का निस्वार्थ प्रेम कर सकता है, क्योंकि संत का निस्वार्थ प्रेम समाज के लिए है। सबका मंगल सबका भला हो, गुरु चाहना ऐसी है, इसीलिए तो आए दरा पर सदगुरु आशा राम जी हैं। बापू जी ने बाहर थे तो भक्तों के हित में, भक्तों के लिए देवी कार्य करते थे, गरीबों में देवी कार्य करते थे। दिवाली के दिनों में बापू जी दिवाली नहीं मनाते थे, फटाके नहीं जलाते थे, मिठाइयाँ नहीं बांटते थे, लेकिन मिठाइयाँ फिर भी बांटते थे, फटाके फिर भी बांटते थे, लेकिन कहाँ पर? जहाँ पर गरीब होते हैं, जिनके घर में दिया नहीं जलता है उनके घर के दिए जला के आते थे, जिनको कपड़े नहीं मिलते हैं उनको कपड़े पहुँचाते थे। बापूजी के वो संस्कार, आज बापूजी 6 साल होने को हैं जेल में हैं, लेकिन वो संस्कार आज भी भक्तों में विद्यमान हैं। आज भी महाराष्ट्र में, एमपी में, यूपी में, सूरत की 15 समितियाँ आज भी ऐसी देवी कार्य करते रहते हैं। तो एक संत का निस्वार्थ प्रेम ही समाज में इतनी भीड़ ला सकता है। बाकी कोई पैसे के बल पे आ जाए, कोई दादागिरी के बल पे आ जाए, कोई सत्ता के बल पे लोगों को ला दे, ये असंभव है, लेकिन संत अपने प्रेम से सबको लाके दिखाते हैं। आपने देखा वास्तव में आज आलंदी की सड़कों पे
बापू का जादू दिखा। और वास्तव में इतनी भीड़ थी, मतलब पूरा रोड जाम था, इतनी भारी संख्या में भक्तों की भीड़ थी। महिला भक्तों ने भी यही बोला कि हम सरकार से और कुछ नहीं मांगते, हमें नहीं पैसा चाहिए या कुछ भी नहीं चाहिए, हमें केवल हमारे बापू चाहिए। और आज भक्त लोग बापू को इतने आरोप लगने के बाद भी निर्दोष मानते हैं, और ये सचमुच में आज बापू का ही ये जादू है, बापू का ही ये जलवा है। कैमरामैन नंजन के साथ नीलेश ठक्कर, आलंदी शहर से रफ्तार न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन।